Hello all, welcome to the video lecture series of Optical Communication. Subject code is REC-075 and here we are in lecture number 7. So previous lecture की अगर हम बात करूँ तो हम लोगों ने cover किया था electromagnetic mode theory for optical propagation जो कि हमारी optical propagation को और confine करती है. That is why the electromagnetic mode theory is used. और वहाँ हमने बात की थी EM wave की थी. EM wave क्या होती है, ईएम वेव किस तरह से हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू ड्राइव की थी. नाउ अब अगर इस लेक्चर की हम बात करें तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोड्स इन अ प्लेन ऑफ वेव गाइड, कौन कौन से मोड्स हमारे गाइड में प्रोपेगेट हो सकते हैं, कौन कौन से मोड हैं एंड व्हाट इज द फेज वेलोसिटी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोड्स इन अ प्लेन ऑफ वेव गाइड. सो मोड समझाने के लिए कि मोड होता क्या है बेसिकली उसको जानने के लिए हमने यहाँ पे सिंपल एक वेवगाइड कंसीडर करी है. द प्लेनर गाइड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑप्टिकल वेवगाइड. सो हियर आई एम कंसीडरिंग दैट प्लेनर गाइड. व्हाट इज दैट, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक विथ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1. जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पे हमारा एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1 की क्या होती है, दिस इज कोर. ओके, एंड इस दोनों साइड से सैंडविच होता है बाय अ सपोर्टिंग मटेरियल, दिस इज कॉल्ड अ क्लैडिंग पार्ट बाय अ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2 सच एज N1 मस्ट बी ग्रेटर देन N2. सो इट कंसिस्ट ऑफ ए स्लैब ऑफ डायलेक्ट्रिक विद रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1 सैंडविच बिटवीन टू रीजंस ऑफ लोअर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2. नाउ आई एम कंसिडरिंग अ प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द रे पाथ विद इन द गाइड. दैट मीन्स हम यहाँ पे एक वेव को कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज द वेव जो कि यहाँ पे प्रोपेगेट हो रही है अलोंग द एक्सिस ऑफ द फाइबर. और यहाँ पे आपके लिए डायरेक्शन शो की गई है, दिस इज द जेड डायरेक्शन एंड दिस इज द एक्स डायरेक्शन. सो अगर मैं बात करूँ इस फाइबर के जो परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई वो कौन सी हो गई, एक्स. और अगर इस फाइबर के एक्सिस की बात करें तो ये हो गया जेड. तो बेसिकली जो वेव प्रोपेगेट हो रही है यहाँ पे वो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, वो जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है. ओके, सो नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे मेंशन है एज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद इन द गाइड इज N1. जैसे ही अब यहाँ पे वेव एंटर करेगा, हियर द वेव एंटर, यहाँ पे वेव एक एंटर करी है, सपोज दिस इज अ स्टार्टिंग वेव जो यहाँ पे बाहर एयर, जैसे कि हमने पहले भी देखा दिस इज द आउटर सराउंडिंग मीडियम जो है वो हमारा एयर है. वहां से आपकी वेव जब इस फाइबर के अंदर एंटर होता है देन इस फाइबर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, N1. सो यहाँ पे है जैसे ही आपकी वेव जो है फाइबर के अंदर आएगा द ऑप्टिकल वेवलेंथ इन दिस रीजन इज रिड्यूस टू लैम्डा बाय N1. यानी जो पहले लैम्डा से वेव प्रोपेगेट होती विद द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा, नाउ एज द वेव कम्स इनसाइड द फाइबर इट्स वेवलेंथ बिकम्स लैम्डा बाय N1. दैट मींस N1 से वो डिवाइड हो जाएगी. एंड व्हाट इज दैट N1? N1 इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ योर कोर. Now, while the vacuum propagation constant is increased to N1K. Now, जो हमारा propagation constant है जिसे हम बोलते हैं beta. Propagation constant is called beta. ठीक है, मैंने last lecture में बताया था, one is called alpha, one is called beta. ठीक है, that is called the gamma propagation constant, alpha plus j beta, जो हमने पहले भी study किया था EMFT के दौरान, आपने microwave में भी कहीं ना कहीं देखा होगा. So, alpha is called the attenuation constant, alpha is called attenuation constant and beta is called phase constant. ओके, सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे ही आपके जो वेव है वो हमारे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आएगी देन उसकी जो वेवलेंथ है डैट विल बी रिड्यूस बाय लैम्डा बाय N1. वेवलेंथ रिड्यूस हो जाएगी बाय अ फैक्टर N1 एंड द प्रोपेगेशन कांस्टेंट इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर K. यहाँ पे प्रोपेगेशन कांस्टेंट इन बीटा अगर पहले था तो वो क्या हो जाएगा, N1K से इंक्रीज हो जाएगा, N1K फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा. ओके, सो नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे जो ये वेव ट्रांसफर कर रही है, ये जो फाइबर से एंगल बना रही है, एक्सिस से एंगल बना रही है, दिस एंगल इज थीटा. सो अगर हम इसे रिजॉल्व कर दें इस वेव को दो कंपोनेंट के अंदर, तो वन कंपोनेंट इज दिस वन इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, दिस इज कॉल्ड द बीटा जेड कंपोनेंट, एंड वन कंपोनेंट इज दिस वन, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा एक्स इज इक्वल टू N1K साइन थीटा टी, दिस इज साइन थीटा, एंड दिस फैक्टर वैल्यू बिकम्स बीटा जेड इज इक्वल टू N1K कॉस ऑफ थीटा. ओके, सो सिंपली डेफिनेशन, व्हेन थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेव प्रोपेगेशन वेक्टर और द इक्विवेलेंट रे एंड द गाइड एक्सिस, मींस जब थीटा हमारा गाइड एक्सिस और इक्विवेलेंट रे के बीच का एंगल है देन द प्लेन वेव
कैन बी रिजॉल्व इन टू टू कंपोनेंट्स प्लेन इन द प्रोपेगेटिंग इन द जेड डायरेक्शन एंड एक्स डायरेक्शन. वन कंपोनेंट इज बीटा जेड दैट इज एन1 के कॉस थीटा एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज बीटा एक्स दैट इज एन1 के साइन थीटा. ओके, सो अभी तक की थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो सिंपली हमने कंसिडर किया एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वेव गाइड जिसके अंदर N1, N2 दैट इज अ मेड अप ऑफ कोर एंड क्लैडिंग सपोर्टेड बाय क्लैडिंग और उसके अंदर हमने एक वेव को कंसिडर किया है. व्हेन दिस वेव मेक्स एन एंगल थीटा विद अ गाइडेड एक्सिस तो हमने उसे दो पार्ट में ब्रेक मान लिया. वन इज कॉल्ड द बीटा एक्स एंड वन इज कॉल्ड बीटा जेड, एक्स डायरेक्शन प्रोपेगेशन एंड जेड डायरेक्शन प्रोपेगेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स अंडर दिस. The component of the plane wave in the x direction is reflected at the interface between the higher and the lower refractive index media. That means the component of the plane wave in the x direction is reflected. जो हमारा x direction में जो component जा रहा है, this become reflected at the interface. This is the interface. This is the interface between N2 and N1. तो इस interface से वो reflect होगा and बैक टू द बिटवीन हायर एंड लोअर इंडेक्स मीडिया. इसके बीच में आपका इंडेक्सिंग होती है. नाउ व्हेन द टोटल फेज चेंज आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन. नाउ सी दिस थिंग, आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन. तो यहां पे क्या हुआ, जैसे आपकी वेव यहां से शुरू हुई, दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्शन. After that wave is come over here. After this, this is the second reflection. तो जैसे ये दो reflection complete होंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है this is the point P and this is the point Q. तो इन दोनों के बीच का जो phase difference है this is equal to 2m pi radian where m is any integer right now. तो जैसे ही आपका ये procedure complete होता है या हम कह देंगे total phase change after two successive reflection becomes equal to 2m pi radians, then the standing wave will produce like this. This is a standing wave pattern. इस तरह का wave pattern यहाँ पे obtain हो जाता है due to the interference occur. जो यहाँ पे interference occur होगा इस reflection की वजह से, उसकी वजह से यहाँ पे आपको एक standing wave produce होती है. Then यहां पे अगर मैं बात करूं, अब m इज इक्वल टू जीरो, जो यहां पे m की हमने वैल्यू की गई है, दिस इज m इज इक्वल टू जीरो. m अगर जीरो की बात करते हैं सो हमें जो स्टैंडिंग वेव मिलेगी वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द गाइड डिकेइंग टुवर्ड्स जीरो एट द बाउंड्री बिटवीन द गाइड एंड क्लैडिंग. मतलब क्या है, ये तो हो गई हमारी स्टैंडिंग वेव. अब स्टैंडिंग वेव के साथ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं इन एक्स डायरेक्शन, तो अगर हमारे एम की वैल्यू जीरो है, दिस इज द मॉड जीरो, तो जब एम जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिखाई देगा वो लाइक इस तरह से दिखाई देगा. इसका मतलब है कि पूरा का पूरा फील्ड सेंटर में सबसे ज्यादा है. सेंटर में इसकी वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है. तो इस तरह से हमारे फील्ड की वैल्यू सेंटर में सबसे ज्यादा है. दिस विल बी प्रोपेगेटेड और आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस. ओके, नाउ अब अगर m इज इक्वल टू 1 की हम बात कर रहे हैं, m इज इक्वल टू 1 होगा तो m इज इक्वल टू 1 के केस में क्या होगा, m इज इक्वल टू 1 लाइक दिस होगा कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस विल कट योर दिस जीरो एक्सिस. दिस इज जीरो फील्ड ना, दिस इज जीरो लेवल फील्ड. तो इस जीरो लेवल फील्ड को एक बार क्रॉस करेगा. सिमिलरली अगर मैं m इज इक्वल टू 2 कर देता हूं तो ये आपका जीरो, इस जीरो एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे क्रॉस कर रहा है. सिमिलरली आपने m इज इक्वल टू 3 कर दिया तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे आपका क्रॉस डाउन होगा. दिस इज कॉल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड लाइक T3, लाइक T2 एंड TE1. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मोड. तो अगर हम बात कर रहे थे कि हमारा जो ऑप्टिकल वेव गाइड है, जो हमारी ऑप्टिकल वेव है, जब वो अपना फेज डिफरेंस, टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन बिकम इक्वल टू 2m पाए, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है स्टैंडिंग वेव पैटर्न. अब जैसे ही आपको स्टैंडिंग वेव पैटर्न मिल जाएंगे तो हम यहां पे बोलेंगे नाउ द ऑप्टिकल वेव इज इफेक्टिवली कंफाइंड विद द गाइड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन द एक्स डायरेक्शन डज नॉट चेंज एज द वेव प्रोपेगेट इन द जेड डायरेक्शन. मींस ये जो आपकी सिचुएशन है, जैसे जैसे वेव आपकी प्रोपेगेट करेगी अलोंग जेड डायरेक्शन, तब तक आपका ये एक्स फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होना है. किस चीज की वजह से चेंज नहीं हो रहा, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एम, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एम this electric field remains constant or you can say this is a static field distribution. This is a static field, a stable field or a static field distribution in the x direction. This is called a mode. The stable field distribution in the x direction with only a periodic z dependence is known as mode. And a specific mode is obtained only when the angle between the propagation vector or the rays and the interface have a particular value. मतलब आपके input theta की value भी constant होगी और आपके m की value भी constant होगी, उसके base पे ही आपका ये phase difference generate होता है.
सो दिस इज ऑल अबाउट द मोड्स इन अ प्लेनर वेव गाइड, कि मोड्स क्या होते हैं और कौन कौन से मोड या मोड का क्या इंपैक्ट होता है हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड पे. नाउ द सेकेंड टॉपिक इन दिस लेक्चर इज द फेज वेलोसिटी, कि व्हाट इज द फेज वेलोसिटी. तो जैसे कि हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, पहले ही पढ़ा है, फेज वेलोसिटी क्या होती है. तो फेज वेलोसिटी क्या है, फेज वेलोसिटी सिंपली क्या बोलेंगे, द वेलोसिटी इनसाइड द फाइबर, द वेलोसिटी इनसाइड द फाइबर. जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करूं, सपोज दिस इज माय फाइबर, ये मेरा फाइबर है, ठीक है. सो यहां से आपका इनकमिंग जो इनपुट वेव रे आएगी, तो यहां पे आपका क्या मीडियम होता है, एयर. सो दिस एयर में हम बोलते हैं वेलोसिटी कितनी है, दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द लाइट वेलोसिटी. बट जैसे ही आपके फाइबर में आपकी लाइट वेव आती है, तो दिस विल प्रोपेगेट विद द वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड अ फेज वेलोसिटी. ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय वीपी, वेयर वीपी इज कॉल्ड ओमेगा बाय बीटा. ये वही पुराना फॉर्मूला है जो हमने पहले ही पढ़ा था, इन केस ऑफ ईएमएफटी, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इन केस ऑफ वेव गाइड. तो हाउ वील कैलकुलेट द फेज वेलोसिटी, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाय बीटा, वेयर ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी एंड बीटा इज कॉल्ड प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट. ओके, नाउ अब हमने यहां पे क्या करा था, कंसिडर इफ वी कंसिडर एन इनफाइनाइट मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n1 फॉर प्रोपेगेशन, देन द प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट मे बी रिटन एज, बीटा की वैल्यू क्या हो गई थी, n1 into k, एंड k इज बेसिकली वॉट, 2π/λ(n1). सो बीटा बिकम्स 2π/λ(n1). नाउ लैमडा को अगर मैं पुट कर दू, लैमडा की वैल्यू क्या होती है, लैमडा की वैल्यू होती है c/f. तो अगर यहां पे आप 2π/λ को पुट करेंगे c/f मल्टीप्लाई बाय n1, देन f आपका ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2πf डिवाइडेड बाय c इनटू n1, और 2πf क्या होता है हमारा, दैट इज ओमेगा, दैट इज रिप्रेजेंट बाय ओमेगा. सो दैट मींस दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज ओमेगा बाय c इनटू n1. और यहां से मैं लिख सकता हूं इसी चीज को, अगर मेरे पास ये टर्म है और ये टर्म है, इफ आई हैव बीटा इज इक्वल टू ओमेगा बाय सी एन वन, सो यहां से आप बीटा को इसके अपॉन में ले आइए, सी इधर ले जाइए, तो सी बाय एन वन बिकम्स ओमेगा बाय बीटा, ठीक है, सी बाय एन वन इज इक्वल टू ओमेगा बाय बीटा. एंड ओमेगा बाय बीटा इज बेसिकली व्हाट, ओमेगा बाय बीटा इज बेसिकली फेज वेलोसिटी. सो व्हाट इज माय फेज वेलोसिटी वैल्यू, देयरफॉर वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाय बीटा इज इक्वल टू सी बाय एन वन. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फेज वेलोसिटी, ठीक है. तो मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ग्रुप फेज वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इनसाइड द फाइबर, दिस विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर n1 बाय ऑफ लाइट वेलोसिटी. मतलब लाइट वेलोसिटी से जो सिग्नल प्रोपिगेट कर रहा था, उस सिग्नल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n1. और अगर मैं बोलता हूं n1 इज जनरली ग्रेटर देन 1, सो दैट मींस कि आपकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, आपकी वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के कंपेरिजन में कम हो जाएगी. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द मोड्स इन अ प्लेनर वेव गाइड एंड व्हाट इज द फेज वेलोसिटी इनसाइड योर ऑप्टिकल वेव गाइड. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड द ग्रुप वेलोसिटी. जब हमने यहाँ फेज वेलोसिटी की बात कर ली, तो ग्रुप वेलोसिटी की बात करेंगे, एंड देयर इज अनदर टॉपिक, दैट इज योर एविडेंस फील्ड. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं उन टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए आप इसकी एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए, फेज वेलोसिटी एंड मोड्स इन अ प्लेनर वेव गाइड. थैंक यू.